अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम लशपश होंगे। हाँ हाँ, आज हम लोग घर से नाश्ता नहीं करके आए क्योंकि हमने नाश्ता करना था बाहर से। और कहाँ से करना था, क्योंकि हम रहते हैं लाहौर में, तो हमने बहुत नाम सुना था, आप लोगों ने शायद सुना होगा फीके की लस्सी, जो कि बहुत सालों पहले से, तो हमने नाम सुना बहुत, हमने बहुत पहले का भी प्लान बनाया हुआ था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा था। तो हमारा आज फाइनली सीन बना कि हम लोग आज, मैं, शहाब, और यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए आए कि हमने नवीद को भी साथ लेके जाना था, नवीद भी हमारे साथ जाएगा, तो यहाँ पे हम नवीद को लेने आए हैं। तो इतना फीके की लस्सी का नाम सुना है तो हम भी ज़रा जाके देखेंगे ऐसा क्या है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन, मतलब जो उसका मैप है वो, उसका लिंक है, आप भी अगर जाना चाहें जा सकते हैं। तो आप भी जब जाएं तो हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में। तो क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ तो खाली लस्सी से काम चलेगा भी नहीं, तो अब देखते हैं क्या क्या करते हैं जाके। चलो कैसा लगा इसका? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बाइट से खाए हम आए, ये घर के खाए हैं? मैंने घर के खाए हैं, बाइट से भी खाए हैं, पर जितना मज़ा मुझे इधर आया है बाइट से नहीं आया, क्योंकि ये फीके के पाए मशहूर ही बहुत फीके बच्चे के पाए फीके की लस्सी है। अच्छा, फीके याद पता चल रहा है कितने मज़े के लगे। फीके की लस्सी है बच्चे के पाए, सॉरी यार मिस्टेक हो गई यार, मज़ा ही बहुत आया। ये देखें आपके सामने, मैंने तो सब खा लिए, ये देखें मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, वो भाई खा रहा है। मुझे बहुत मज़े के लगे कि इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत मज़े की, बहुत रिच है। ले इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ होती ना जो इसका ये शोरबा, क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं, हाँ जिसकी ग्रेवी थी ना वो इसकी सबसे मज़े की थी। ऊपर वाला भी मज़े का था, नहीं मज़े की थी, देखिए चिपक गई कितनी चिपक ही गई सारी, जो ऊपर वाला मसाला वगैरह वो भी सारा मज़े का, लेकिन ज़्यादा मज़े इसकी ग्रेवी थी। मेरा ये था, आप भी खा गए सारा, बल्कि उससे ज़्यादा उधर लग दिए निकाल के, मेरा सारा होना सही है, ठीक है ना, उतर नहीं रहा लग रहा है, गम लगाई है बच्चे के पाए का असर है। ये एक प्लेट कितने की? 460 की। तो अगर ये दोबारा अगर लोग लेना चाहें इस तरह, जैसे अभी 1500 दिए तो इसी में और ले सकते हैं, या शोरबा आ जाता है? शोरबा आ जाता है। तो जितने पैसे में ये तीन प्लेटें आई हैं उतने ही पैसे में अगर इनसे पेट ना भरे तो और भी ले सकते हैं, वो उसमें ये क्या बोलते हैं पाया नहीं आएगा उसमें, शोरबा जैसी ग्रेवी वगैरह वो जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, उतने ही पैसों में। भाई साहब वगैरह हमने सब कुछ खा लिया जो हमने नाश्ता करना था, अब खाने के बाद क्योंकि होता है मीठा, आ गया, आ गया, आ गया। तो अब हम आए हैं फीके की लस्सी पे। कैसी लगा? मजे की वो जान जाए, हम लोग बातें कर रहे थे, वो पी जाते सारी टेढ़ा बहुत मजे का। ये तो पी मेरी यार, बस ये भी नहीं पिया जा रहा, मजे की नहीं लगी, मजे की लगी तो पैसे ही नहीं। लस्सी बहुत मजे की, जो ऊपर खोया था ना, जो वाइट वाला क्या था, खोया था ना, वो बहुत मजे का था, जो खोया था ना, खोया था, इसका फ्लेवर बड़ा मजे का, मीठा बहुत था वो। हाँ नवीद, पाए का तो रिव्यू तेरा ले रही है, साहब बता लस्सी का क्या रिव्यू है तेरे से? मारे ना बात तो सही ना, क्या हमारे बाद में नहीं, पहले ये बता कि कैसे लगी लस्सी?
नवीद की तो फट गई थी शहाबर, मैंने सारी पी ली थी, पूरा पूरा ग्लास, बड़ा ग्लास था, और नवीद ने आधा पी के छोड़ दिया था। मैंने इसी वजह से यार मैंने पाए ज्यादा खा लिए। बता टेस्ट में कैसी थी? टेस्ट में बहुत अच्छी थी यार, पेड़ा और साथ होया। तो आज हमने इन्हीं दो जगह पे आना था, नाश्ता करना था पहले, उसके बाद हमने कुछ मीठा करना था। तो मीठे में हमने किया लस्सी, तो बहुत मजा आया। तो अभी हमारे बाइक का पेट्रोल थोड़ा बहुत कम हो गया था, रिजर्व पे लगा था, तो शहाबर भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहा है। तो अभी शुरू हो गया है वापसी का सफर।